गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेट्रो सिटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक न्यू अपडेट आपको देंगे। आज का मुख्य टॉपिक दोस्तों हमारा रहेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। आपको बताया जाएगा किस तरह से ये बनाया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और क्या क्या इसमें साधन रहेंगे, और इसका कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, अब हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों सर्वे मशीन। दोस्तों, इसी सर्वे मशीन के द्वारा पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट हो रहा है। दोस्तों, एक एक पॉइंट का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हुए देखो, ये दोस्तों नदी के ऊपर में यह ब्रिज बनाया जा रहा है। इसके द्वारा आगे जो है सीट पहल की जाएगी, फिर हमको इसके ऊपर एक पियर खड़ा करना है। दोस्तों, बहुत हैवी स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से तैयार करना दोस्तों, इसकी हम एक एक अपडेट आपको आगे देंगे फ्यूचर भविष्य में। अभी हम आपको यह कार्य दिखा रहे हैं किस तरह से किया जा रहा है, और बहुत हैवी स्पीड में अभी यह कार्य हो रहा है दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। एक एक पॉइंट की हम जानकारी आपको देते हैं दोस्तों, और एक न्यू अपडेट दोस्तों आपको ये दे रहे हैं हम आपको, जो है सड़क मार्ग के द्वारा दिल्ली से मुंबई जाने के लिए मात्र 12 घंटे का ओनली सफ़र रहेगा। अभी यह सफ़र दोस्तों 48 घंटे का रहता है। इन फ्यूचर में यह सफ़र ओनली दोस्तों 12 घंटे हो जाएगा। और इसकी दूसरी अपडेट हम आपको अब बताएंगे दोस्तों, दिल्ली से मुंबई तक के जाने के लिए पूरे एक्सप्रेसवे पर सिर्फ जो है ऑटोमेटिक आपका फास्टैग सिस्टम लगाए जाएंगे, और कोई टोल मैनुअल नहीं होगा दोस्तों। एक बेहतरीन इसमें कनेक्टिविटी होगी, हर एक किलोमीटर बीच में आपके सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। और भारत सरकार द्वारा अभी आगे क्या आदेश आता है उस तरह का दोस्तों, इसमें जो है नया मैन्युफैक्चर होगा और नई टेक्नोलॉजी आएगी। एक एक पॉइंट का विशेष ध्यान रखते हुए, सेफ्टी पर्पज़ का विशेष ध्यान रखते हुए, हर पॉइंट का विशेष ध्यान रखा जाएगा दोस्तों। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे इतना विशाल एक्सप्रेस वे दोस्तों अभी बनाया जा रहा है, आपका महारानी बाग से लेकर के ये दिल्ली मुंबई तक जाएगा दोस्तों। इसका स्टार्टिंग पॉइंट दोस्तों महारानी बाग है, उसका एंडिंग पॉइंट आपका दोस्तों मुंबई में रहेगा। अब इसकी एक एक अपडेट हम आपको देते जाएंगे आगे इन फ्यूचर में भी। अभी हम आपको देखो दोस्तों नदी के ऊपर में कैसे कार्य किया जा रहा है, कितना हैवी वर्क हो रहा है, इसको आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। यह अभी जो है एक मशीन के द्वारा हम जो है किस तरह से यह कार्य करते हैं, और कितनी मेहनत करके यह प्रोजेक्ट एक तैयार होगा। यह दोस्तों इतना आसान कार्य नहीं है, बहुत टिपिकल वर्क होता है, और इंडिया के भीतर एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई है दोस्तों। अभी जब से भारत सरकार ये अभी चेंज हुई है, मोदी सरकार आई है दोस्तों, इतना बेहतरीन अभी प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, बहुत ही अच्छे लुक के साथ, और बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी, हर स्टेट में इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी अभी पहुंचाई जानी है दोस्तों, आने जाने वालों के लिए कोई समस्या कहीं ना रहे, और ट्रैफिक जाम से बहुत बड़ी मुक्ति मिले। इसलिए दोस्तों एक से एक प्रोजेक्ट अभी निकाले जा रहे हैं दोस्तों। हमारा उद्देश्य किसी को जो है गलत ठेस पहुंचाना नहीं है, ओनली जो है जो कार्य होता है, जो अच्छा कार्य करता है दोस्तों, उसके बारे में हम दिखाते हैं। इसमें किसी भी इंसान को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए हमारे चैनल से दोस्तों। हम किसी पॉलिटिक्स पर नहीं जाते दोस्तों, हम सिर्फ अपना चैनल के बारे में बताते हैं, और चैनल में जो गवर्नमेंट आपका जैसा कार्य करेगी उस तरह का ही जो है दोस्तों हमारा चैनल दिखाएगा। इसमें जो है हम किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं दोस्तों अपनी ओर से, और किसी को ठेस भी ना पहुँचे इस तरह का भी इसमें कुछ चीज़ भी जो है हम नहीं बताते हैं। और दोस्तों हम आगे मिलेंगे आपको दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन आगे वीडियो लाएंगे। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ यह था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बताने का। इसका कार्य दोस्तों बहुत ही स्पीड के साथ अभी चलाया जा रहा है। अगली वीडियो में हम दोस्तों आपको हर जगह का एक एक पॉइंट की एक एक डिटेल से दिखाएंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा दोस्तों, और जो दोस्त इसमें अभी नए जुड़े हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू, आगे मिलेंगे।